The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Namaskar dosto, I am Dr. Paramjeet. You are watching Dr. Education. Dosto, क्या कोरोना वायरस का संक्रमण चेक करने के लिए क्या कोरोना वायरस के संक्रमण को चेक करने के लिए सांस रोक लेने वाला टेस्ट सही है? बहुत ज्यादा लोग इस बात को पूछ रहे हैं, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं और बहुत सारे अलग और भी सवाल है। क्या कोरोना वायरस हवा में फैल रहा है, क्या वो मक्खियों से फैलता है, क्या वो लैट्रिन स्टूल से फैलता है या नहीं फैलता, ये हमने ऑलरेडी जवाब दे रखा है हमारे एक वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखिएगा। दोस्तों, क्या कोरोना वायरस को टेस्ट करने के लिए सांस रोकना, एक मिनट के लिए अगर सांस रोक सकते हैं तो आपको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन नहीं है, ये कितना भरोसेमंद टेस्ट है? देखिए क्यों ये गलत है, क्योंकि अगर आप 10 लोग, मैं 100 200 हजारों लाखों की बात नहीं कर रहा, अगर आप 10 लोगों को खड़े कर दोगे जिनको नहीं है इन्फेक्शन, उनमें से भी 10 में से 4-5 लोग ऐसे होंगे जो एक मिनट अपनी सांस नहीं रोक सकते, क्योंकि एक मिनट अपनी सांस नहीं रोक पाना एक इंडिकेशन है कि आपके फेफड़े उतने अच्छे नहीं, उतने हेल्दी नहीं है। और आज के डेट में इतनी पोल्यूशन में दिल्ली में रहने वाले ज्यादातर लोगों के फेफड़े खराब हो रहे हैं, स्मोकिंग करने वाले खुद अपने फेफड़े खराब करके बैठे हैं, जिनको टीबी है उनकी कोई गलती नहीं लेकिन उनके फेफड़े खराब हैं, जिनको कोई खतरनाक सीओपीडी वाले जैसे इन्फेक्शंस हैं, जो चूल्हा फूंकती हैं लेडीज, घर में चूल्हे फूकने से भी फेफड़े खराब होते हैं, बीड़ी सिगरेट तंबाकू और हुक्का, इन सब से फेफड़े खराब होते हैं, और लिटरली नहीं एक्सरसाइज करने वाले, जो रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते, मोटे लोग, उनके भी अंदर भी इतना क्षमता नहीं होती है कि वो एक मिनट तक अपनी सांस रोक सके, छोड़ो एक मिनट, कहीं तो 30 सेकंड भी नहीं रोक सकते। तो इस पर्टिकुलर टेस्ट को किसी भी तरह से आप अपने आप को असेस करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसे बहुत से उल्टे सीधे जांच आपको मिलेंगे और ऐसे बहुत से लोग आपको अपने तरफ से सलाह देंगे। देखिए, एक चीज जरूर कर सकते हैं कि एक हेल्दी आदमी, अगर आपको लग रहा है कि आपकी सांस फूल रही है तो भी जरूरी नहीं है कि वो कोरोना ही हो, तब भी पैनिक सिचुएशन हो सकता है भैया, याद रखिएगा, पैनिक सिचुएशन हो सकता है, तब भी बहुत कुछ अलग भी हो सकता है, तब भी एक सिंपल घबराहट, पैनिक अटैक, तब भी आपको अस्थमा है तो अस्थमा का अटैक और बहुत सारी अलग चीजें हो सकती हैं। अनफॉर्चुनेटली ऐसे टेस्ट बहुत ही फेमस लोग आप लोगों को सजेस्ट कर रहे हैं, जो अनफॉर्चुनेट है, जो उनको शोभा नहीं देते, बट क्या करें, अनफॉर्चुनेट। तो यहां पर बात आती है कि पॉजिटिव नेगेटिव का टेस्ट कौन करेगा, कैसे करेगा, उसके लिए जो तरीके बताए गए हैं वो तरीके आप MOH की वेबसाइट पे देख सकते हैं। तरीका है डॉक्टर से कंसल्ट करना, डॉक्टर असेस करेगा कि आपके टेस्ट कराने की कैटेगरी क्या है, क्या आपको टेस्ट कराने की जरूरत है उस समय, कितने दिन हो गए आपके सिम्टम को, क्योंकि अगर सिम्टम चालू होते ही आप टेस्ट कराओगे जरूरी नहीं है वायरस पकड़ा जाएगा, 5-7 दिन लगते हैं वायरस को इतना इकट्ठा होने में कि टेस्ट पकड़ा जाए, और इन आइदर केसेस जब वो टेस्ट पॉजिटिव भी आ जाता है तो जरूरी नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेडिसिन देनी ही देनी है जब तक आपके सिम्टम बढ़ते नहीं है। So, इसीलिए ऐसा कोई भी टेस्ट ना तो रिलायबल है ना ही एडवाइजेबल है। सो अल्टीमेटली अगर आपको सिम्टम है तो सिम्टम को रोज मॉनिटर करना जरूर है। अगर कल आप 35 सेकंड सांस रोक सकते थे, आज आप 30 सेकंड सांस रोक पा रहे हो, अगले दिन आप 10 सेकंड 25 सेकंड सांस रोक पा रहे हो, तो ये जरूर बता सकता है कि आपकी सांस रोकने की क्षमता कम हो रही है, आपको सर्दी है, खांसी है, बुखार है, लूज मोशन है, जो भी आपको सिम्टम है अगर बढ़ते जा रहे हैं तब आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। डॉक्टर ने जो दवा दिया वो काम नहीं कर पा रही है, तब आपको टेस्ट कराना होगा, हॉस्पिटल जाना होगा, एडमिट होना होगा और वहां पर आपका कोरोना वायरस के लिए एडमिशन के बाद वाला इलाज होगा। तो यह हुई सच्चाई उस पर्टिकुलर चीज की जो चल रही है दुनिया में, कि सांस रोकिए, टेस्ट करिए, सांस रोकिए, टेस्ट करिए। हाथ जोड़ के विनती है ऐसे महानुभावों से जो लोग ऐसे टेस्ट बता देते हैं, कि कृपया ऐसे टेस्ट ना बताएं जिससे कि दुनिया और ज्यादा पैनिक करे, राइट, प्लीज।